सर ये बच्ची। आज हमारे आश्रम में एक नई लड़की आई है। बेचारी मेले में अपने परिवार से बिछड़ गई थी तो उसे कोई इधर छोड़ गया। तुम लोग उससे ज्यादा दोस्ती वोस्ती मत कर लेना क्योंकि उसके माता पिता जरूर 2-3 दिन में उसे यहाँ से लेके जाएंगे। मेरे लिए भी यही कहा था, मुझे तो लेने कोई नहीं आया। ए, कौन बोला? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब करीबी दोस्त बिछड़ जाए तब दिल पे चोट लगती है ना। यस सर। चलो अब सब खेलने जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। पकड़ लिया, बल्ले बल्ले, आउट है, आउट है, ये। चलना यार। बॉल पास करो। जल्दी करना पास। यस। ए यार ये लड़का ना। जल्दी पास करो। लोग उससे ज्यादा दोस्ती वोस्ती मत कर लेना क्योंकि उसके माता पिता जरूर 2-3 दिन में उसे यहाँ से लेके जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? चिन्नू। तुम्हारा नाम क्या है? किटी। फ्रेंड्स? Friends. और यहां से शुरू होती है चीनू और किटी की ये अद्भुत कहानी। किटी के माता पिता की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके रिश्तेदार उसे इस आश्रम में ला छोड़ते हैं। चीनू महाराष्ट्र के बहुत बड़े व्यापारी की बेटी है। वो अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने आई थी लेकिन अचानक वो उनसे बिछड़ जाती है और उस मेले में गुम जाती है। इन कुछ ही दिनों में ही चीनू और किटी में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। कान का इयररिंग गिर गया। हाँ? कहाँ गिरी होगी? हाँ, अरे उधर ढूंढो। इधर देख, यहाँ नहीं मिल रही। छोड़ मुझे। अरे अरे लड़ना बंद करो टीचर आगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। चलो अपनी अपनी नोटबुक्स खोलो। ए लड़की अंदर आ। देखो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के बारे में बताता हूं। सिग्नेचर मतलब अपना नाम लिखना। कोई साइन करता है तो उसे यूनिक बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके लिए अपना नाम तो इंपॉर्टेंट होता है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस इंसान का हस्ताक्षर अनोखा हो। श्रीनिवास मूर्ति, ये रहा मेरा यूनिक सिग्नेचर। समझ गए ना? चलो एक काम करो, अब तुम सब अपने साइन करो और आज जो तुम सिग्नेचर करने वाले हो वो भी यूनिक होना चाहिए, एकदम हट के, समझे? ओके सर। तुमने यहाँ दो ही डॉट क्यों डाले? आप भी तो डालते हैं, इसलिए मैंने भी डाले। उस तरह सिग्नेचर करना मेरा स्टाइल है लेकिन तुम्हें अपना एक स्टाइल ढूंढना पड़ेगा ना। वेणुगोपाल, ये साइन में पहाड़ियाँ क्यों बनाई हैं? ये मेरे गांव की पहाड़ियाँ हैं। मेरे साइन में मेरा गांव दिखेगा। अरे शाबाश, लेकिन इस पहाड़ी का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसका कम कर दो। ठीक है सर।
तो बच्चों जो भी काम करो हमेशा मन लगा के करो। किट्टी ये है मेरा सिग्नेचर, पता है ये क्या है? ये दोनों कबूतर हैं और पता है ये हमारी दोस्ती की निशानी है। अच्छा सिग्नेचर है ना? हाँ चिनू। ए चिनू इधर आओ जल्दी, तुम्हारे डैडी का कॉल है। डैडी एक मिनट सर, आ गई आपकी बेटी। एक बार पापा जी बोल। बात करो बात करो। हेलो पापा। मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैडी। बेटा इंस्पेक्टर अंकल तुम्हें लेने आए, तुम आ जाओ फिर मस्त पार्टी रखेंगे। ओके ओके डैडी, मैं अभी आती हूँ। आ जाओ बेटा, पापा इज वेटिंग। मैं एक मिनट में वापस आई। अरे किट्टी, डैडी का कॉल था, इंस्पेक्टर अंकल लेने आए हैं। तुम अपने घर वापस जा रही हो? हाँ। उदास मत हो किट्टी, मैं तुमसे यहाँ मिलने आती रहूँगी ना, प्रॉमिस। मैं हर साल अपना बर्थडे तुम्हारे साथ यही मनाऊंगी। रात को मेरे सोने के बाद निकलना, सामने जाओगी तो मुझे बहुत रोना आएगा। किट्टी अच्छे से पढ़ना हाँ, और स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आना। मैं भी अच्छे से पढ़ूंगी, फिर हम दोनों बड़े होकर एक साथ एक ही ऑफिस में काम करेंगे, मेरे मम्मी डैडी की तरह। पढ़ लो कर, लेट हो रहा है। किट्टी सो गए हो क्या? चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। और इस तरह किटी और चीनू बचपन में ही बिछड़ जाते हैं, लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे को भुला नहीं पाते। चीनू के पिता पूरे परिवार समेत काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं। चीनू तेरा एक कान का इयररिंग गिर गया। अरे कहाँ गिरी होगी? रिंग। नमस्ते बाबा। आओ आओ गंगा सर, बैठो। ये मेरी बीवी कविता। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो। कैसे हो गंगाधर, बड़े दिनों बाद मिलने आए। क्या करें बाबा, काम थोड़ा ज्यादा है। पर मैं बाहर देख रहा था, आश्रम में कम बच्चे हैं, खाली खाली सा लगा। अब क्या बताऊं गंगाधर, आश्रम की सारी फंडिंग्स बंद हो चुकी है, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए इसलिए अपने सभी दोस्तों से बात की है मैंने। उनमें से कुछ ने बच्चों को अडॉप्ट कर भी लिया है, पर अभी भी 4 बच्चे हैं हमारे आश्रम में, समझे? जानता हूं बाबा, आपने ही सनाथ आश्रम को अपने खून पसीने से सींचा है। मैं तो मरते दम तक अपना काम करता रहूंगा, लेकिन मुझे आप जैसे लोगों की मदद चाहिए जिससे देश में कोई भी बच्चा अनाथ न रहे। अरे अरे क्या हो गया किटी बेटा? क्या हो गया? तो क्या हुआ? कोई कीड़ा था क्या? सुनिए जी, अगर ये बच्चा बहादुरी नहीं दिखाता तो वो बिच्छू जरूर मुझे काट लेता। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों इस मासूम बच्चे को गोद ले ले। हाँ, मुझे आपत्ति क्यों होगी, आज से ये हमारा बड़ा बेटा है। बाबा देखा कितना बहादुर है, अपनी परवाह तक नहीं की उसने। बाबा हम दोनों ने एक फैसला लिया है। हाँ? हम उस लड़के को गोद लेना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। हमेशा। और इस प्रकार किटी को इन लोगों ने गोद ले लिया, लेकिन किटी तो अब भी
चीनू की यादों में डूबा हुआ था। वादे के मुताबिक उसे लगा था कि चीनू अपने जन्मदिन वाले दिन उससे मिलने जरूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो अकेला ही इंतजार करता रहा। चीनू हर साल किटी के जन्मदिन पर उसी आश्रम में जाता और वहां उसका इंतजार करता, लेकिन चीनू कभी भी वहां नहीं आई। एक्सक्यूज मी, कैन आई? हाँ बैठो ना। अबे ये अचानक दिल में गिटार और घंटियां क्यों बजने लगी? ऐसा लग रहा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। सडनली मुझे पॉजिटिव वाइब्स महसूस हो रहे हैं। अरे किधर है मेरी सोने की मुर्गी, किधर बैठे लिए? आइला वो रही। आइला ये रुकावट के लिए खेत कहां से आ गया? बाहर में यही तो था उस दिन। इस नशेड़ी आशिक की मैंने कहानी क्या चुरा ली? ओहो तो मुझसे बदला लेने के वास्ते जाल बिछा रहा है डेढ़ शाना। मैंने भी नाना कोंडके की सारी फिल्में देखी है, मेरे को फंसाने वाला जाल अभी तक मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ है। मैं अभी 12 घाट का पानी पी के 13वें घाट की तैयारी कर रहा हूँ। आइला ज्यादा हो गया, रुकावट के लिए खेद है। हाँ बोल रहे गोपी। अबे जल्दी से कैफे के बाहर आ जा, इंस्पेक्टर तुझे बाहर बुला रहे हैं। बाहर गए को? बस समझना अंदर सीसीटीवी कैमरा है इसलिए अंदर नहीं आ सकते वो। सीसीटीवी? अरे जल्दी आना यार, पहले लोगों की धुलाई करता है फिर इतने सवाल पूछता है। हेलो ठीक है आता हूँ बाहर। जल्दी आ। ये दादा की स्टोरी है। मेरी स्टोरी? मेरी स्टोरी एक्चुअली मैंने इमोशंस के, अपनी फीलिंग्स के और क्रिएटिविटी के समुद्र में तैर कर लिखी है। मैंने एक एक शब्द लिखने के लिए 100-100 आंसू बहाए होंगे मैडम। मम्मी बॉस इसने तो सीधा गाल पे चाटा मार दिया। ए सुन मुझसे झूठ बोलना मत वरना जेल भेज दूंगी। सॉरी मैडम, बॉस ने मुझसे कहा था कि वो शाम को मुझे ठंडी ठंडी मदिरा पिलाएंगे। मैडम इस पिक्चर से मेरा कोई संबंध नहीं है मैडम, मैं आपके सर की कसम खाता हूँ मैडम, मैं चलता हूँ बॉस। अरे रुक, अरे ए दादा ए अरे थाम। एक्चुअली दादा आपसे डर गए थे। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है तुझमें? मैं तुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और तू है कि सिर्फ मजाक किया जा रहा है? छी भग, ये कहानी मेरी है, उस कहानी की चीनू मैं हूँ। किटी मेरे बचपन का फ्रेंड है जिसे मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ। सॉरी ताई, लेकिन आपको सच में किटी के बारे में कुछ नहीं पता? कितनी बार बोलूं तुझसे, अगर पता होता तो तुझसे क्यों पूछती? हाँ लेकिन उस दिन तो कॉफी शॉप में आप दोनों साथ में ही थे। कॉफी शॉप? हाँ कौन सी कॉफी शॉप? अरे उस दिन आप यहाँ पर बैठी थी ना और वो लड़का इस तरफ बैठा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ताई किटी मेरे सामने था? हाँ। तुमने उसी दिन मुझे क्यों नहीं बताया चीकू? वो मैंने वो स्टोरी चुराई थी ना, तो मेरे को लगा आप लोग मिलकर मेरे को मारने का प्लान बनाओगे। अरे यार सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था चीकू, उसे कैसे ढूंढे? ढूंढे उसको, मेरे को कैसे पता? थोड़ा 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 सा फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके देखो ना। ओके सर। रुक जाओ रुक जाओ। जी ताई आपका किटी। किटी? अरे वो फोन वाले पर जरा थोड़ा जूम जूम करो जूम। ए, अरे ये किधर जा रहा है? आपके इधर एक ही कैमरा है क्या, उस तरफ नहीं है क्या? अच्छा ठीक है थोड़ा आगे आगे बढ़ो आगे। ज़ूम थोड़ा 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 स्लो स्लो स्लो। अरे ताई आ
आपके दिल का दर्द मैं समझ सकता हूँ ताई, लेकिन जितना मैंने सुना है वो आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। हाँ, आश्रम में आपकी कोई रिंग खो गई थी ना, वो अभी भी उसके पास है। सोचिए ना, उसने आज तक वो रिंग संभाल के रखी है, इसका मतलब वो आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। ये एकदम सच बोलता है। I wish हम उसे ढूंढ पाते। जी वही तो मैडम, सुनिए एक और बार ट्राई कीजिए ना। Yes. Yes, 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 we got it. Yes, call them. Go, जल्दी जाकर बुलाओ। अभी जो यहाँ बैठे थे वो कहाँ गए? वो लोग कहीं नहीं है मैडम। हर जगह देखा तुमने? जी अच्छे से देखा मैंने, कहीं नहीं। ओके, मैंने फुटेज पेन ड्राइव में सेव किया है, अगली बार जब भी वो आएंगे तुम उन्हें ये दे देना। ओके, संभाल के रखो। चिन्नू, ये आश्रम जल्दी पानी में डूबने वाला है, इस बार अपने बर्थडे पर जरूर आना, अगर नहीं आई तो अपनी मिलने की आखिरी उम्मीद भी पानी में मिल जाएगी। गणपति बप्पा, आज मेरा जन्मदिन है, मैं आज किटी की तलाश में आश्रम जाऊंगी, आज मुझे मेरे किटी से मिला देना। सॉरी सौम्या, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, मेरी ही किस्मत खराब है। तू तो आश्रम गई थी ना, वहाँ किट्टी मिला तुझे? जब आश्रम ही नहीं बचा तो किट्टी कहाँ से मिलेगा उषा? आश्रम पानी में डूब गया और उसके साथ मेरे सपने भी। सौम्या दिल छोटा मत कर, किट्टी को जरूर ढूंढ लेंगे। सौम्या है? नमस्ते सर। थैंक यू सर। हाय, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना दीदी? नहीं रे पुष्पा। हैप्पी मैरिड लाइफ दीदी। थैंक यू दीदी। हा? एक मिनट। हाँ, सूर्या भैया ने एक वीडियो भेजा है, मैं नीचे वेट करती हूँ। हाँ ठीक है।
शादी मुबारक हो मैडम, आप हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर मैं आप दोनों से जरूर मिलूंगा, वादा। अभी आप बोलेंगे कि शादी के दिन ही मुझे क्यों निकलना पड़ा, ऐसा क्या जरूरी काम था? क्या बताऊं, बहुत जरूरी काम है। दोनों कबूतर हैं और पता है ये हमारी दोस्ती की निशानी है। चिन्नू, और अपनी मैडम, वही चिन्नू है। I'm sorry, ये मुझे पहले से पता था, पर आज 3 बजे उसकी शादी होने वाली है, अब बहुत देर हो गई है, तुम कुछ नहीं कर सकते सूर्या। ऐसा नहीं होने दूंगा। सर आपका पासपोर्ट। भाई जिंदगी मौत का सवाल है, प्लीज बाइक देना। मेरी बात तो सुनो। हेलो, हैप्पी जर्नी मेरे भाई। गोपी तू मानेगा नहीं, चिन्नू कौन है? अरे अपनी मैडम। अबे क्या बोल रहा तू? लेकिन आज मैडम की शादी हो रही है। क्या? हेलो हेलो गोपी। हेलो गोपी, मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे बोलना। हेलो हेलो बोले तो बास्केटबॉल अपने लिए सब कुछ है, लेकिन अपन ऑस्ट्रेलिया बास्केटबॉल खेलने नहीं जा रहा, मैं उधर चिन्नू को ढूंढने जा रहा। चिन्नू जो बचपन में मेरे को आश्रम में मिले थे और फिर मेरे जीने की वजह बन गए। मेरे माँ बाप असली माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ और चिन्नू से अनाथ आश्रम में ही मिला था। और मेरे को मालूम पड़ गया वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। बस मेरी चीनू मुझे मिल जाए, प्रार्थना कीजिए मैडम। किटी, उसे काट के फेंका। बाल बाल बच गए भाई, उसे सब हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, मैं हॉस्पिटल जाकर उसे खत्म कर दूंगा। तेरे से कुछ नहीं होगा, ये शुभ काम मैं करूंगा। सुन सर, अगली बार यहाँ वहाँ पोस्टर लगाया तो बहुत मार खाएगा तू। हाँ ठीक है सर। तेरा फोन। थैंक यू सर। हेलो। हेलो ताई। उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। सुसाइड? वो अभी हॉस्पिटल में ही है और उसकी जान खतरे में है। बॉस, ए, चल 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 जल्दी चल। क्या हुआ बॉस? ओ ताई, ओ ताई, ताई आंखें खोलो ताई, ये देखो ना मैडम, ये अंगूठी मिल गई मेरे को, ये आपकी उंगली में पहना रहा हूँ, और हमको आपका किट्टी भी मिल गया, उसको भी ढूंढ लिया। अरे ये सब क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिस्टर, यस डॉक्टर, पेशेंट को इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बाहर जाइए आप। प्लीज निकलिए, चलिए, क्या कर रहे हैं, चलिए यहाँ से, पेशेंट को ऐसा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चलिए चलिए आप, नहीं नहीं आप बाहर चलिए, प्लीज सुनिए सिस्टर, ये सब क्लियर कीजिए सिस्टर। श्योर डॉक्टर। साहब
लाइफ बच तो जाएगी ना, मेरे को मिलना है उनसे। कहाँ है वो? स्पेशल वार्ड में भाई। सर आप काई को उठे सर? क्या हुआ सर? मेरा फोन। क्या फोन सर? कौन सा फोन? फोन पाउडर जल्दी आओ देखो सर। फोन क्या मेरा? क्या कर रहे? मुझे फोन चाहिए। अरे बैठिए सर, क्या कर रहे आप? रुको सर, सर आप ऐसे जा नहीं सकते सर, रुकिए। हे गोपी, गोपी मेरे को फोन देना बेटा, फोन देना प्लीज। यहां पर कर रहा, अपना फोन दो ना मेरे को। बेटा तू ठीक तो है? कोई तो मेरे को फोन दो। क्या हुआ मेरे को? मैडम को फोन करना। फोन क्या करेगा बेटा, अंदर चल। देखिए और मौत से जूझ रही है। मुझे भी अभी पता चला यार। हमेशा इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? न जाने चीनू को ढूंढने के लिए इसने कितने पापड़ बेले होंगे, लेकिन बेचारे का नसीब ही खराब है। क्या हुआ बेटा? सूर्या, सूर्या कुछ तो बोल। कौन है वो लड़की और उसने जहर क्यों खाया? अरे अंकल, बचपन में किट्टी को आश्रम में चीनू मिली थी, वो आश्रम ही उसे ढूंढने का आखिरी सहारा था, लेकिन वो आश्रम पावर प्रोजेक्ट के कारण डूब गया। फिर हमने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मदद मांगी, उनसे पता चला कि चिन्नू तो ऑस्ट्रेलिया में जाके शिफ्ट हो गई है और इसने वहां जाने की सोची, लेकिन फिर क्या हुआ, चिन्नू ने सुसाइड करने की कोशिश की, सब खत्म। इसको मेरे पावर प्रोजेक्ट से क्या आपत्ति होगी? ये बेचारा तो सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए लड़ रहा है। चलो ना चिन्नू, हे उठना, देखना तेरा किटी सामने आ गया। मालूम है तू जैसा बोली थी, मैं बिल्कुल वैसा ही बास्केटबॉल खेल रहा हूं, तेरे साथ तेरी कंपनी में भी काम कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। उठ जाना चिन्नू, हे चिन्नू प्लीज उठ जाना। आखिरकार दोनों मिले।